नोवेल कोरोना वायरस में व्यापक तौर पर रिपोर्ट किए गए उत्परिवर्तन का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी भी इस म्यूटेशन के प्रभाव का जहां तक सवाल है तो अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है। नई लाइनेज जिसे B117 का कोड नेम दिया गया है उसे ब्रिटेन में हाल के केसों में व्यापक रूप से ट्रैक किया गया है। ब्रिटेन में रिपोर्ट किए गए म्यूटेशन पर अग्रणी विशेषज्ञों का क्या कहना है उसका सार यहां जाना जा सकता है। क्या वायरस में उत्परिवर्तन असामान्य है? लीसेस्टर यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर जूलियन टैंग का कहना है, यह वायरस के लिए काफी सामान्य है जैसे इन्फ्लुएंजा, जहां विभिन्न वायरस एक ही व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं जिसे हाइब्रिड वायरस उभर सकता है। यह केवल उन तरीकों में से एक है जो प्राकृतिक वायरल विभिन्नता उत्पन्न करते हैं। हालांकि वायरस के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन किसी भी वायरस में प्रकृति और उत्परिवर्तन की सीमा पर निर्भर करता है, जिसमें कोविड-19 भी शामिल है। लिवरपूल यूनिवर्सिटी के इन्फेक्शन एंड ग्लोबल हेल्थ के चेयर प्रोफेसर जूलियन हिस्कॉक्स ने कहा, कोरोना वायरस हर समय उत्परिवर्तित होते हैं, इसलिए यह अप्रत्याशित नहीं है कि SARS-CoV-2 के नए वेरिएंट्स उभर रहे हैं। हम हर समय अन्य मानव और पशु कोरोना वायरस में इन्हें देखते हैं। B.1.1.7 अहम क्यों है? वुहान चीन में पहली बार सामने आने के बाद से SARS-CoV-2 ने कई बदलाव देखे हैं और उनमें से प्रत्येक पहले के वेरिएंट से कुछ कदम की नजदीकी पर बने हुए हैं। लेकिन यूके वेरिएंट B.1.1.7 के शुरुआती जीनोमिक लक्षणों के मुताबिक इसमें असामान्य तौर पर कई बड़े जेनेटिक बदलाव देखे गए हैं, खासतौर पर स्पाइक प्रोटीन में, जो अक्सर इस बात के लिए जिम्मेदार होता है कि वायरस मानव कोशिकाओं के साथ कैसे संपर्क करता है। इस घटनाक्रम ने यूके के साथ साथ और जगह भी अलार्म सेट किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह विशेष रूप से लाइनेज यूके के कुछ हिस्सों में केसों के बढ़ते अनुपात के लिए जिम्मेदार है। लिंक किए गए केसों की संख्या के साथ साथ B.1.1.7 संक्रमण को रिपोर्ट करने वाले क्षेत्रों की संख्या भी बढ़ रही है। इसने कई देशों को यूके यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर किया है। भारत सरकार भी इस संबंध में विशेषज्ञ सलाह ले रही है। क्या यह टेस्ट के नतीजों को प्रभावित करता है? यूके के वेलकम सैंगर इंस्टीट्यूट में SARS-CoV-2 जेनेटिक्स इनिशिएटिव के निदेशक डॉक्टर जेफरी बैरेट ने कहा, नए वेरिएंट में एक उत्परिवर्तन वायरल जीनोम से 6 बेसेस को मिटा देता है, जो स्पाइक प्रोटीन के अमीनो एसिड 69 और 70 को एनकोड करते हैं। संयोग से यह क्षेत्र कुछ PCR टेस्ट की ओर से उपयोग किए जाने वाले 3 जीनोमिक टारगेट्स में से एक है और इसलिए उन टेस्ट में ये चैनल नए वेरिएंट पर नेगेटिव आता है। हालांकि अगर PCR टेस्ट अन्य 2 चैनलों का उपयोग करते हैं और उत्परिवर्तन से प्रभावित नहीं होते हैं तो टेस्ट को ठीक से काम करना चाहिए, डॉक्टर बैरेट ने जोर देकर कहा। मुझे वायरल जीनोम के इस हिस्से में केवल एक टारगेट का उपयोग करने वाले किसी भी कॉमर्शियल टेस्ट के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो उनकी सावधानी पूर्वक जांच की जानी चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी प्रोफेशनल कमेटी एसोसिएशन फॉर क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड लेबोरेटरी मेडिसिन के चेयर डॉक्टर रॉबर्ट शॉर्टन ने कहा, प्रयोगशालाएं जानती है कि कौन से टेस्ट उनके टारगेट को लक्षित करते हैं और उनके टेस्ट प्रदर्शन को लेकर सतर्क है। PCR टेस्ट आम तौर पर एक अधिक जीन टारगेट का पता लगा सकते हैं ताकि स्पाइक प्रोटीन में एक उत्परिवर्तन अन्य वायरल जीन टारगेट्स का पता लगाए जाने को प्रभावित नहीं करेगा। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।